जादुई बक्सा। बहुत दिन पुरानी बात है, एक गांव में दो भाई रहते थे। एक बहुत अमीर था, उसका नाम शैलेश था, उसके पास सब कुछ था। दूसरा भाई गरीब था, उसका नाम जिगर था, उसके पास खाने पीने के लाले थे और पहनने के लिए ठीक से कपड़े भी नहीं थे। उसका परिवार भूख से तड़पता था। जिगर ने सोचा, क्यों ना भाई के पास जाकर कुछ मदद मांगी जाए। जब भाई शैलेश के पास जिगर गया तो उसने मदद करने से इनकार कर दिया। जिगर बहुत दुखी हुआ। एक दिन जिगर काम की तलाश में भटक रहा था। रास्ते में एक उसे बूढ़ा आदमी दिखा। उसके पास 3 बक्से थे, उससे वो बक्से नहीं उठा जा रहे थे। जिगर उसके पास गया। लगता है बहुत भारी है, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? जिगर ने पूछा। ठीक है बेटा, इसे उठा लो और मेरे घर तक ले चलो। हाँ बाबा जी। ऐसा कहते ही जिगर उस आदमी के पीछे पीछे चल दिया और उस आदमी के घर तक पहुंचा। शुक्रिया बेटा, लेकिन मुझे बताओ, तुम इतना परेशान क्यों हो? क्या कोई तकलीफ है? बाबा जी, मैं बहुत गरीब हूँ। एक वक्त का खाना भी नहीं है मेरे पास, काम भी नहीं मिल रहा। तुम यही रुको बेटा, मैं अभी आता हूँ। वो आदमी घर के अंदर जाता है और साथ में एक बक्सा लाता है। ये लो बेटा, ये बक्सा तुम रख लो। पर मैं इसको लेकर क्या करूँगा? ये ऐसा वैसा बक्सा नहीं है, एक जादुई बक्सा है। इसे खोलते ही तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। क्या कहा? जादुई बक्सा? अरे वाह, लेकिन ये आप मुझे क्यों दे रहे हो? बेटा, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें काम आएगा, तुम ले लो। अच्छा बाबा जी, जिगर बोला। और सुनो, काम होने के बाद इसे बंद करना ना भूलना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। शुक्रिया बाबा जी। जिगर वो बक्सा खुशी खुशी घर लेके आ जाता है और जाते ही अपनी पत्नी को कहता है, ये देखो मुझे क्या मिला है। पत्नी बोली, ये कौन सा बक्सा ले आए हो? हमें खाना चाहिए, इस बक्से का क्या करेंगे? अरे भगवान, ये ऐसा वैसा बक्सा नहीं है, एक जादुई बक्सा है। हमें जो भी चाहिए हमें दे देगा। सच में? क्या अब हम कभी भूखे नहीं रहेंगे? पत्नी बोली, नहीं भगवान, तुम बातें ही करोगी या इस बक्से का चमत्कार भी देखोगी। फिर जिगर उस बक्से से कहता है, हे जादुई बक्से, हमें ढेर सारा खाना दो। बक्सा खुलता है, उसमें से अलग अलग प्रकार के व्यंजन बाहर आते हैं। जिगर और उसकी पत्नी ने पेट भर के खाना खाया और बक्से को बंद कर दिया। फिर उसने बक्से से रोज नई नई चीजें निकालना शुरू किया, कभी चावल तो कभी अनाज तो कभी दाल तो कभी बाजार का सामान। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होने लगी। एक दिन जिगर सामान लेकर बाजार जा रहा था। उसके भाई ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? यही बाजार में सामान बेचने। उसके भाई ने सोचा, अरे कुछ दिन पहले तो इसके पास खाने के लाले थे, अभी तो मुझसे मदद मांगने आया था और आज सामान बेच रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, आज इसका पीछा करता हूँ। जिगर जब सारा सामान बेचकर घर आता है, उसका भाई उसके पीछे जाता है और खिड़की से झांकता है। जिगर और उसकी पत्नी उस जादुई बक्से से अलग अलग सामान मंगवा रहे थे। उसका भाई ये सब देख लेता है। अच्छा ये बात है, जादुई बक्सा, ये तो बहुत अच्छी चीज है, वो जादुई बक्सा मुझे चाहिए, वो भी आज। रात होती है, शैलेश चुपके से जिगर के घर से वो बक्सा चुरा कर भाग जाता है। तो मैं अमीर बन जाऊंगा। फिर शैलेश जंगल की ओर भागता है। इस बक्से को मैं घर में नहीं रख सकता, नहीं तो सबको पता चल जाएगा। दौड़ते दौड़ते वो थक जाता है,
और एक गड्ढे में गिर जाता है। प्यास लगने से वो जादुई बक्से से पानी मांगता है। बक्से से पानी आना शुरू होता है। बस 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 इतना ही चाहिए, और नहीं बस बस। शैलेश गड्ढे में होने के कारण वो गड्ढा पानी से भर जाता है। शैलेश को तैरना भी नहीं आता, इसीलिए शैलेश उस पानी में डूब जाता है। तो बच्चों क्या समझे इस कहानी से? कि किसी से लालच और ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, जो है उसी में खुश रहना चाहिए।